हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आईटीआई छात्रों के दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों जो वैकेंसी आई है वो पावर ग्रिड तरफ से आई है, और जो दोस्तों एलिजिबिलिटीज में है आईटीआई मांगा गया है। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, कैसे आपको आवेदन करना है, एज क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारे डिटेल दोस्तों हम A to Z इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करना। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर आईटीआई संबंधित हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और दोस्तों यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक बनाया दिया डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आपको जुड़ जाना। वहाँ पर आईटीआई के छात्र लगातार जुड़ रहे हैं, आपको वहाँ पर सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए, जो आज की इस वीडियो है इसमें हम चलिए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, साफ साफ दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात कहा गया है। पावर ग्रिड में एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों इसमें सैलरी बहुत गजब की होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में UPCL में होती दोस्तों, उससे कहीं बेहतर सैलरी दोस्तों यहाँ पर पावर ग्रिड में आपको देखने को मिलता है। तो हम चलिए दोस्तों स्टेप बाई स्टेप सारा डिटेल आपको बताएँगे, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर एक महारत्ना कंपनी है, आपको पता है ये दोस्तों बहुत ही लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट कंपनीज है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज का है ना, नॉर्थन रीजन है, ठीक है, इतने सारे इसके इंडस्ट्रीज रीजन में रीजन वाइज दिया गया है, और इसके हिसाब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रिजर्वेशन के थ्रू आउट हुई हैं, ठीक है, थीके? आप देख सकते हैं इतनी सारी भर्तियाँ निकली हैं NRM में, NS2 में, NR3 में, ER1 में अलग अलग निकली हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लगभग जो वैकेंसीज हैं टोटल आप लोग, ये एक बल्क वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग इसको अप्लाई करने से बिल्कुल भी मत चूकना। रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ITI, देखिए दोस्तों यहाँ पर JTT इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है, ठीक है, तो इसमें आपको ITI एलिजिबल मांगा गया है, ठीक है, तो आपको इसको फॉर्म को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप, ITI इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, ठीक है, पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा BE/BTEC विथ और विदाउट ITI इज नॉट अलाउड आइदर एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन और द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। अपर एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 27 साल मांगा गया है, इसमें दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट होगा, ठीक है, छूट दिया गया होगा। दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, हम स्टाइपेंड की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट की बात। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपको 18,500 रुपये पर मंथ से लेकर के 22,500 वेन ITI बिकम्स 50%, ठीक है, डेजिग्नेशन एंड लेवल ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड जूनियर टेक्नीशियन वर्कमैन कैटेगरी में रहेगा आपको। बेसिक पे ऑन द रेगुलराइजेशन 21,500 दोस्तों आपको बेसिक पे रहेगा, इन द पे स्केल ऑफ 21,500 और 74,000, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि बेसिक पे तो 21,500 है, इसके अलावा टोटल यहाँ पर स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड दोस्तों यहाँ पर रहता है, ठीक है, आपको एग्रीमेंट करना होता है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी आपको 200 रुपये पे करने होंगे, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है 200 रुपये आपको पे करने होंगे। एज भी दोस्तों यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं SC/ST को 5 साल यहाँ पर है, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, सर्विसमैन को 10 साल, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एज में छूट वगैरह दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड CBTT हो रही का CBT किया जाएगा। टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा,
क्वेश्चन किस तरह होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप इज क्वेश्चन सेल है फोर आंसर ऑप्शन। पार्ट वन रहेगा टेक्निकल नॉलेज जो कि 120 क्वेश्चन, एंड पार्ट सेकंड रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 50 नंबर लगभग दोस्तों सब टोटल 170 नंबर का होंगे। 1/4 मार्क नंबर यहाँ पर दोस्तों आपको कटौती होगा गलत पर। ऑल क्वेश्चन कह रही दोस्तों यहाँ पर टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। EWS को यहाँ पर अंडर रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर 40% है, रिजर्व कैटेगरी को 30%, मतलब आपको कितने नंबर आपको लाने ही लाने होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर आपका है ना यहाँ पर देखिए रहने वाला है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस कैटेगरी रीजन देखना, उस टेस्ट सेंटर देख लेना, अपना मिला लेना, ठीक है। आगरा, पटना, कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद, बेंगलुरु और एमपी में भोपाल, वडोदरा, इंदौर, यही सब यहाँ पर टेस्ट सेंटर। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों, इट इज़ मैंडेटरी दैट कैंडिडेट गो थ्रू द फुल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एग्री टू ऑल द कंडीशन गिवन वाइल अप्लाइंग द पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाना होगा और वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों यहाँ पर, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 50 KB का होगा आपको डालना है, सिग्नेचर ब्लू एंड ब्लैक में 50 KB JPG, DOB सर्टिफिकेट 3 MB का PDF रहेगा, 10 MB तक दोस्तों यहाँ पर ITI मार्कशीट रहेगा ऑल ईयर का, कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PCU रिक्वायरमेंट 3 MB का दोस्तों रहेगा यहाँ पर, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर PW2 सर्टिफिकेट इनके साथ रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब जो लिख नहीं पाएंगे उनके लिए, और इनके एक सर्विसमैन वाले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर डाटा मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लेना, डोमिसाइल वही लगेगा सर्टिफिकेट, और रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन की जो है ये पोस्ट है और काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल एज ऑफ मिनिमम 18 ईयर आर एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई पावर ग्रिड, तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करके दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कहाँ से हो, आपका ट्रेड कहाँ से है, ट्रेड कितना है। देखिए दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना आपको दिखा दो दोस्तों, यहाँ पर ये है powergrid.in है, ठीक है, www.powergrid.in है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं, recruitment@powergrid.in। ओपनिंग डेट दोस्तों यहाँ पर 22 नवंबर से फॉर्म शुरू है और 12 दिसंबर तक के फॉर्म चलेगा। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी 12/12 को यहाँ पता चल जाएगा। डेट ऑफ द रिटर्न टेस्ट यहाँ पर दोस्तों इन जनवरी में यहाँ पर टेंटेटिव है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी।